नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्रिकेट के इतिहास की 10 सबसे बड़ी घटनाएं दिखाने वाले हैं, जिसमें चली गई कई लोगों की जान। तो यह देखने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहें। नंबर 1, फिलिप ह्यूज। दोस्तों, फिलिप ह्यूज एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट खेल रही थी तो फिलिप ह्यूज को बल्लेबाजी करते हुए सीन एबोट की एक बाउंसर बॉल फिलिप ह्यूज के सर के पीछे लगी और बॉल लगते ही वह जमीन पर गिर गए। दोस्तों, इस घटना के 2 दिन बाद ही फिलिप ह्यूज की हॉस्पिटल में मौत हो गई। नंबर 2, डेरिन रेडाल। दोस्तों, डेरिन रेडाल साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी थे। 2013 में एक घरेलू टूर्नामेंट के दौरान बल्लेबाजी करते हुए गेंद लगने से उनका निधन हुआ था। पुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद रेडाल के सिर पर लगी और वह वहीं पर गिर गए। रेडाल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जल्द ही उनकी मौत हो गई। नंबर 3, जुल्फिकार भट्टी। दोस्तों, जुल्फिकार भट्टी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। जहां घरेलू मैच के दौरान पाकिस्तान का यह बल्लेबाज सीने पर गेंद लगने के बाद पिच पर ही गिर गया। भट्टी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नंबर 4, रिचर्ड ब्यूमोट। दोस्तों, ये इंग्लैंड टीम से खेलते थे। 2012 में खेल के मैदान पर ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और ये मैदान पर ही गिर गए। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नंबर 5, एल्क्विन जेनकिंस। दोस्तों, एल्क्विन जेनकिंस इंग्लैंड के अंपायर थे। ये 2009 में एक लीग मैच की अंपायरिंग कर रहे थे, जिसमें दुर्घटनावश उनके सिर पर बॉल लग गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 6, वसीम राजा। दोस्तों, यह भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे। 2006 में मैदान पर खेलते हुए इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, रमन लांबा। दोस्तों, शायद आप लोगों ने भी इनके बारे में सुना होगा। ये एक भारतीय खिलाड़ी थे। इस भारतीय क्रिकेटर का निधन 1998 में क्लब मैच के दौरान ढाका में फील्डिंग करते हुए हुआ था। लांबा के सिर में चोट लगी थी, जिसके चलते ये 3 दिन तक बेहोश रहे, परंतु फिर कभी होश में ना आ सके। नंबर 8, इयान फोली। दोस्तों, ये इंग्लैंड टीम के प्लेयर थे। 1993 में घरेलू टूर्नामेंट के दौरान फोली की आंख के नीचे बॉल लगी थी। हालांकि इनका निधन ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। नंबर 9, विल्फ स्लैक। दोस्तों, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। 1989 में एक घरेलू मैच के दौरान ये कई बार बेहोश हुए, लेकिन अंतिम बार बेहोश होने के बाद ये फिर होश में नहीं आ सके। इनकी मौत का कारण डॉक्टर को आज तक पता नहीं चला है। नंबर 10, अब्दुल अजीज। दोस्तों, ये पाकिस्तान के केवल 18 वर्षीय खिलाड़ी थे। 1959 में कराची के एक घरेलू मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए इनके सीने पर बॉल लगी थी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, इन सब घटनाओं को देखते हुए यदि आप भी क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, तो कृपया आप भी सावधानी बरते। तो आज की इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं, और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व साथ ही बेल आइकन ऑन कर दीजिए।